नमस्कार, डिजिटल खबरी लाल पे आप सबका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर, रणवीर कपूर के बाद अब श्रद्धा कपूर। जी हाँ, गेमिंग ऐप के सिलसिले में मुश्किलें बढ़ रही हैं श्रद्धा कपूर के, और साथ ही बॉलीवुड के ग्रेट ए सितारों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। ऑनलाइन ये ऐप, गेमिंग ऐप, इसके चलते बढ़ रही है मुश्किलें, और एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। रणवीर कपूर का नाम पहले ही सामने आया, जिनको ईडी ने नोटिस भेजा, और अब श्रद्धा कपूर। और हमने देखा कि किस तरह से रणवीर कपूर के बाद एक के बाद एक बड़ी हस्तियों का नाम सामने आ रहा है। इस वक्त बॉलीवुड गलियारों में हलचल किसी फिल्म या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं, बल्कि महादेव ऐप स्कैम विवाद को लेकर तेज है। इस केस में कई नामी सितारों का नाम सामने आया है, जिनमें मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी शामिल है। इसके पहले हमने देखा कि रणवीर कपूर, कपिल शर्मा के बाद अब श्रद्धा कपूर का बुलावा आया है। तो झूठी मैं मक्कार फेम श्रद्धा कपूर को महादेव ऑनलाइन गेम स्कैम में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस को 6 अक्टूबर यानी आज 2023 को रायपुर के ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वही कपिल शर्मा समेत बाकी सितारों को अलग अलग तारीखों में ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए तलब किया गया है। रणवीर कपूर को भी बुलाया गया था, पर उन्होंने 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर कपूर ने पर्सनल रीजंस को चलते 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है ईडी से, जो ईडी ने दिया है। महादेव गेमिंग ऐप एक ऐसा ऐप जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, ऐसा ही अभियोग जो ईडी ऑफिसर्स हैं उठा रहे हैं। और कैसे इन सितारों का नाम सामने आया है? सितारों का नाम सामने आया है क्योंकि इस ऐप की प्रमोशनल का काम या प्रमोशन का काम किया था इन मशहूर सितारों ने। यही नहीं, इसके लिए एक मोटी रकम इन सितारों के पास गया है, ऐसा ही अभियोग है ईडी अफसरों का। महादेव गेमिंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां गैर कानूनी सट्टेबाजी होती है। इस मनी लॉन्ड्रिंग के सितारों की वजह से फंसे है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने इस ऐप का प्रचार प्रसार किया है और इससे मोटी कमाई की है। इस केस में कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हीना खान, रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जाएगी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि ऐप के मालिक की शादी में शामिल होने वाले सितारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कर, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खबरबंदा, नुसरत भरूचा जैसे सितारों का नाम भी सामने आ रहा है। इस घटना के बाद से ही बॉलीवुड फिर है बुरे कारणों से चर्चा में। इसके पहले भी कई बार हमने देखा बॉलीवुड के सितारों का कई बुरे काम या हरकतों के साथ नाम जुड़ा और बदनाम हुआ बॉलीवुड, जिससे कि कई सितारे इससे आपत्ति करते हैं, क्योंकि विश्व भर में जो बॉलीवुड का सम्मान है वो कहीं ना कहीं खराब तो नहीं हो रहा। ये प्रश्न हम आज उठा रहे हैं आपसे, जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा हमें। इस खबर पर नजर रहेगी और देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिएगा डिजिटल खबरी लाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।